सत्कर्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस वीडियो में गुरुजी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि कई लोग बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, फिर भी उनको उस उपाय का फल नहीं मिलता, उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। तो चलिए आगे वीडियो में गुरुजी से जानते हैं कि इसका क्या कारण है। लोभ से परित होना चाहिए, बहुत दूर। दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000-25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा इसी कुएं। कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं के वहीं दबा देंगे। गांव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना घर वाले, वो सब लाकर इसमें डालते जाना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पे मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेल कचरे पर पांव रखते 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 और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना देना है। करे करे तू, कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे, अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे, बस इसका ध्यान रखना। बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है। प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन
या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्नत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया और ये 3 कर ली उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया तो इसके मन में आया कि बताओ मैं भी व्रत कर रही हूं, ये भी व्रत कर रहा है, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूं, आखिर बात समझ में नहीं आती, उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला, उसको लाभ की अनुभूति होगी, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा, मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको, और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया और तुम 2-3-4-5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ, उसका कारण क्या हो सकता। उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो, तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो, एक बार महाराज ने बोला है कर लो देखा जाएगा, पर तुम्हारे घर में वो जागृतता तुम्हारे पास में, वो जागृतता तुम्हारे पास में, वो बल तुम्हारे पास में, वो वेग तुम्हारे पास में, वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तुमने जो पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। मित्रों, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय आपके लिए लेकर आता हूं। हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो प्लीज कमेंट में पूरी डिटेल में जरूर बताएं, जिससे लोगों को पता चले कि सच में गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय से लाभ होता है। अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें
कमेंट में महादेव का एक जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।